दोस्तों, आज ही मेरे पास MI का फ़ोन आया जो कि नोट 4 है, और ये पूरा जो है टूटा हुआ है। इसमें आज हम न्यू फोल्डर और विथ हड्डी के साथ में लगाएंगे। और जो है फोल्डर हम मार्केट से लेकर आए हैं, अभी बिल्कुल जस्ट न्यू है, आप लोग पन्नी देख सकते हैं। तो ये जो फोल्डर एकदम पूरा सेट होकर के पहले से ही आया है, हमको इसमें कुछ भी नहीं सेट करना, बस मदरबोर्ड सेट करना और चार्जिंग PCB सेट करना, बैटरी को सेट करना है, और ये जो है ऑन ऑफ होता है सेट करना, बस पूरा मोबाइल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा हम मार्केट से लेकर आए हैं, OG है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। तो आज हम ये जो नोट 4 है MI का, इसमें पूरा सेट करेंगे और देखेंगे कि अच्छे से कैसे सेट होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो सिम ट्रॉली उसको रिमूव करेंगे, ये देख लीजिए आप लोग, ये रिमूव हो गई। अब इसका जो बैक पैनल है उसको रिमूव करेंगे, तो मेरे पास ये चाकू है, उसी की मदद से हम रिमूव करेंगे। इस तरीके से आप लोग रिमूव करना, जब भी रिमूव करना अच्छे से। और ये जो पावर ऑन ऑफ के पता होता है, ऑन ऑफ, उस पर कभी भी ना कुछ भी लगाएं क्योंकि आगे दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग साइड साइड में खोलते रहना, जब भी आप लोग खोलें ऐसे। तो हम इसको खोल लेते हैं, तो ये देख लीजिए पूरा खुल गया इस तरीके से। तो नोट 4 है ये रहा। अब जो सबसे पहले अब इसका हम फिंगर रिमूव करेंगे, तो फिंगर रिमूव करने के ये देख लीजिए ऊपर ही रखा हुआ था फिंगर। अब इसका जो पीछे का बैक जो पैनल है उसमें हम पेंच खोलेंगे इस तरीके से, अच्छे से पेंच खोल लीजिए आप लोग। और ये देख लीजिए बहुत ही इजीली खुल रहा है, क्योंकि ये पुराना फोन हो चुका है ज़्यादा। ये देख लीजिए, और ये जो नेटवर्क वायर है इसको हम पहले से ही रिमूव कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये रिमूव हो गया। अब इसकी जो बैटरी है उसको हम रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने से बैटरी का जो पत्ता होता है उसको, और ये जो बैटरी चक्की होती है उसको हटाने के लिए, अब ये पुराना फ़ोन हो गया तभी के लिए इजिली बहुत ही आसानी से सब बैटरी, देख लीजिए पुरानी बैटरी हो गई, लेकिन अभी इसका जो बैटरी पैकअप है वो अच्छा चल रहा है। तो कृपया करके हमारे लाइक को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इसमें जो चार्जिंग PCB है उसको हम रिमूव करेंगे, एक एक पार्ट इसके जितने भी सारे पार्ट हैं वो सब रिमूव करेंगे। तो अब इसका जो आना पत्ता है उसको हम रिमूव करेंगे इस तरीके से, देख लीजिए। और आना पत्ता रिमूव करने से पहले आप लोग जो जिससे भी रिमूव करना है चिपका हुआ होता है तो आराम से रिमूव करना, क्योंकि ये पत्ता कटने ना पाए, मार्केट में फिलहाल के लिए उपलब्ध है, क्या फ़ायदा 20-30 रुपये नुकसान हो जाएगा, अच्छे से वर्क करना। अब ये जो डिस्प्ले का पत्ता है इसको हम रिमूव करेंगे इस तरीके से। अब ये जितने भी सारे पेंच हैं इसको हम खोलेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, एक एक पेंच हम खोल के दिखा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे। ये दें, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारे सब पेंच खोल रहे हैं, MI का नोट 4 है, OG फोल्डर जो हम इसमें लगाने वाले हैं आज, अच्छे से वर्क करेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसका जो सॉरी टच का पत्ता होता है उसको हम रिमूव हटाएंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें ये लगाने जा रहे हैं, क्योंकि मदरबोर्ड निकाल ली। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये जो है कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसको सब मैंने रिमूव कर लिया है, और अब ये हमारे लिए बेकार है। और आप लोग देख सकते हैं ये न्यू रही, ये न्यू फोल्डर है। अब हम इसमें लगाएंगे न्यू वाला, सेट करेंगे सब टोटल। तो जैसे जैसे हम इस रिमूव कर रहे थे वैसे वैसे ही सेट करेंगे, एक एक पार्ट सेट करेंगे, आप लोगों को लाइव दिखाएंगे।
कुछ भी कुछ छूटने ना पाए अच्छे से। एक मिनट, ये पूरा हम सब दिखाएंगे आप लोगों को अच्छे से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये हम अब जो रिंगर डिब्बी होती उसको जो है सेट कर रहे हैं। जल्दबाजी कृपया आप लोग ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में फोल्ड टूट भी सकता है, नुकसान इसमें हो सकता है काफ़ी का होगा, और मेरा का अभी आगे का पता नहीं, हो भी सकता है जल्दबाजी में। इसमें हम आराम से इसको सेट करेंगे इस तरीके से, कृपया सेट करना। एक मिनट ये, और इसमें इस तरीके से हम इसको दाब देंगे। अब इसमें जो पेंच टाइट करेंगे, तो दोस्तों ये मैंने जो पेंच थे सारे के सारे रिंगर डिब्बे के, वो मैंने टाइट सब कर लिए, कस लिए। अब आती है बारी मदरबोर्ड की, जो कि तो अभी जो आगे का रहेगा उसको हम रिमूव कर रहे हैं इस तरीके से। कृपया रिमूव करना जब भी आप लोग रिमूव करें ये। अब हम इसमें जो है सेट करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम सेट कर रहे हैं। और ये रहा मदरबोर्ड, इस तरीके से अच्छे से सेट करें, और जल्दबाजी कृपया करके ना करें। जल्दबाजी में फोल्डर अगर टूट गए तो नुकसान हो जाएगा। सॉरी, ये कैमरा मेरा बाहर रह गया। ये दे, कैमरा को सेट कर लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से सेट करें। तो ये कैमरा जो है सेट मैंने कर लिया। अब ये इसमें जो बिठा रहे हैं इसको सेट कर रहे हैं पूरा इस तरीके से, देख लीजिए ये सेट हो गया। ये पूरा का पूरा वो ये जो सॉरी टच का पत्ता है यहाँ पास, उसको हम सेट कर रहे हैं। ये ऑन ऑफ का पत्ता भी सेट कर लिया। इसमें अब जो बैटरी है, सॉरी जो बैटरी है उसको सेट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें जितने भी पैंच लगे हुए थे उसको, वो जो पैंच है वो टाइट करेंगे ये। तो पैंच को अब हम टाइट कर लेते हैं तब तक। तो दोस्तों ये जो बैटरी सेट हो गई थी पहले से, और इसमें जो पैंच थे वो मैंने भी टाइट कर लिए। अब इसका जो ऑन खोलेंगे इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि कैसा चल रहा है। ये ऑन हो गए, इसको पूरा जो ऑन है वो हो जाने देते हैं। तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ऑन खुल गया है। और इसमें अब हम इमरजेंसी चेक करेंगे इस तरीके से, देख लीजिए अच्छे से वर्क करा। और जो इसके जो चार्जिंग है वो भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से जो चार्जिंग का मेन पता था वो लग पाया कि नहीं। तो आप लोग चार्जिंग में देख लीजिए अच्छे से वर्क कर रहा है इस तरीके से। अब इसको जो हम पूरा सेट कर लेते हैं, तो सेट करने के लिए इसमें जो फिंगर है वो हम ऐड करेंगे ये इस तरीके से अच्छे से। ये फिंगर ऐड हुआ। अब ये मेरा जो नेटवर्क वायर बचा हुआ था उसको हम ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने से ये इस तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा जो नेटवर्क वायर था वो सेट हो चुका, और ये तो ऑन पूरा खुला ही इस तरीके से। अब इसका जो बैक पैनल है उसको हम सेट करेंगे ये देख, कृपया करके इसको जो आराम से दाबना आप लोग, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में फोल्डर भी टूट सकता है। ये देख इस तरीके से। तो ये मेरा जो सेट एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ये जो सिम ट्रॉली लगाएंगे, लग गया चार्जिंग, एक बार एक चेक कर लेंगे चार्ज भी कर रहा है। वीडियो को देखने के लिए
पूरा धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।